मैं हूं श्याम सिंह चौहान और आप देख रहे हैं ट्रेवल बस्ती। दोस्तों मैं आपको आज एक नया पिकनिक स्पॉट पे लेके आया हूं, बगमुंडा ट्रायंगल बोला जाता है। बगमुंडा ट्रायंगल यहां कुछ और भी रास्ते है, क्या रास्ते है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वहाँ सामने से। तो ये जो है ये झारखंड में है और आपकी यहाँ तक आने के लिए आपको एक लोकेशन बताता हूँ कैसे आया जाए। दोस्तों इस तरफ आप देखिए, मेरी दाहिनी ओर ये रांची खूंटी तोरपा की ओर से ये रोड आता है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको इस तरफ में, ये राउरकेला सिमडेगा कोलेबीरा और बसिया, ये बसिया के पास ही ये पड़ता है। और इस रूट से का प्रयोग करें तो ये बगमुंडा ट्रायंगल की ओर आपको लेके जाएगा, यह पिकनिक स्पॉट है। और इस तरफ आप आइएगा तो ये रोड है, यहाँ से आपको 2 किलोमीटर के करीब में यहाँ पर आपको बगमुंडा ट्रायंगल होगा। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, हम आए हैं बसिया के बगमुंडा ट्रायंगल में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अति प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो आज यहाँ जो है पुजारी जो है वो अनुपस्थित है, तो मैं अपने द्वारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अंदर देखते हैं इसका नज़ारा क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अति प्राचीन मूर्तियाँ जो लगी है, शिवलिंग जो है वो उपस्थित है। तो यहाँ अभी रंग रोगन का कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों, और पुजारी जो है अनुपस्थित है। यह बहुत ही भव्य और मनोरम नज़ारा है दोस्तों। तो मैं स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ के बारे में क्या उनकी मान्यता है और क्या क्या होता है यहाँ पे। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं पहुँच गया हूँ बसिया, और ये मेरे सामने स्थानीय ग्रामीण है जो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, बगमुंडा के बारे में, शिव मंदिर के बारे में। तो आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, तो बाबा ये बताइए इस मंदिर के बारे में, बताइए और बगमुंडा के बारे में बताइए, कितना प्राचीन है और कब से ये ऐसे ऐसे हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है सर, संभवत इस सब तो हमको याद नहीं रहा, लेकिन तो ये मंदिर कितना प्राचीन है? प्राचीन है अभी तो, कभी करीब कितना दिन बताए, 40-50 लगभग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इनके मुताबिक ये 40-50 साल पुराना है। और बगमुंडा के बारे में बताइए। बगमुंडा देखिए यहाँ पर बहुत यहाँ पहले जंगल था, जंगल के ऊपर बाघ का यहाँ अड्डा था, जिधर देखिएगा उधर बाघे का सिंह लगता था, और सिर बैठे हुए रहने के कारण खाली सिर अधिक दिखता था, इसलिए इसका नाम लोग बाघे का वृतांत अधिक लगता था, इसलिए इसका नाम बगमुंडा पड़ा। जैसा कि हम आपको नीचे की ओर ले आए हैं, बगमुंडा नीचे प्रेस, आप देख सकते हैं कैसे खतरनाक सीढ़ियों के द्वारा आपको ऊपर से नीचे आना होगा, इतनी ऊंचाई से नीचे आपको लमना होगा, ये सीढ़ी नुमा सीढ़ी से आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको देखिए, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, इधर हमारे स्थानीय निवासी भी हमारा वेट कर रहे हैं, उनके साथ हम आपको लेके चलते हैं आगे का दृश्य दिखाने के लिए। आइए यहाँ देखो और देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ मूँगफलियाँ मिलते हैं, आग चने हैं, बहुत सारे यहाँ पर पानी के बोतल भी मिलते हैं। आइए अब देखिए, बाजा बज रहे हैं, हमारे दोस्त कुछ इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। कुछ ही आप बाई ओर मेरे देख सकते हैं, देखिए मेरी दाहिनी ओर देखिए, ट्रेवल मस्ती आपको दिखा रही है कि अच्छे खाने बन रहे हैं, अच्छे जगह बाजे बज रहे हैं और बहुत से लोग आए हुए हैं। संजोग है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, और देखिए पानी का नज़ारा देख सकते हैं, बच्चे पानी में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और हमारे स्थानीय निवासी सिंह जी के साथ अब हम आपको मेन पॉइंट जो है बगमुंडा किस तरह से पड़ा, नाम ये बगमुंडा कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सब के लिए जानकारी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं हम हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। हमारे स्थानीय निवासी सिंह जी के कहने का द्वारा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई थी, है ना। आगे मैं तो नहीं बता सकता दोस्तों, इन्हीं से जवानी सुनिए यहाँ क्या क्या घटनाएं हुए, कैसे हुए। सिंह जी आप हमारे चैनल को बताना कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे क्या हुआ क्या नहीं, ये सब आप हम खुल के अपने चैनल पे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब पानी आती है तो इतना ज़्यादा इस जगह कुछ नहीं रहता है,
खाली गड्ढा सिवाई के, बहुत ऊपर से पानी आ रही है, ऊपर से मतलब मिट्टी को तो रहने नहीं देगी, तो उस जगह में यहाँ बहुत ज़्यादा खाई बन जाता है। और इस जगह खाई के वजह से एक मरतबे इसको भरा भी नहीं था बालू उलू कुछ से, खाई का खाई जस्ट रहा। तो गुमला से आए थे कोई अफसर के अफसर लोग, यहाँ पर पिकनिक मनाने ही के लिए आए थे, परिवारे के थे, तो लड़का था, नौ छोटिया कहेंगे कितना करीब कहें 12-14 वर्ष का था। अच्छा, तो वो 12-14 साल का लड़का था। लड़का था वो आया और दह को देखने के लिए किनारा सतह पर आया और ऐसे घूम फिर के देख रहा था, कैसे थोड़ा सा फिसला और जस्ट कुआं के जैसे साला गड्ढा कर दिया था, उसको पता नहीं चला। और जो गिरा और अंदर चला गया, अंदर चला गया, गांव वाला सब वो निकला और नहीं गिरा और निकला नहीं, तो पता चला कि नहीं कोई अफसर का बेटा वहां पर गिर गया है, उसको कोई बाहर नहीं निकल पाया। बहुत तो तरह से उपाय सोचा उसका बाबूजी, और तरह तरह का यहाँ का मल्हा था, जांजी बना रहा था मछली के लिए, उसको भी बोला, लेकिन वो भी डर से इतना था गढ़ा में ढुकने का साहस नहीं किया। तो गांव वाला को गया कि नहीं हमारा लड़का गिर गया है, इसको थोड़ा मेहरबानी कीजिए, उसको निकाल दीजिए। तो गांव वाला आया, कोई झागर लेके आ रहा है, कोई का कर रहा है, झागर भी यहाँ पर फेंका गया, झागर से नहीं निकल पाया। तो यहाँ के तो अधिकतर साहसी होते हैं और तैराकी भाई लोग, तैराकी मतलब वही लोग लास्ट में उनको निकाले, बाद में वही लोग अपना डूब के वो लोग निकाल दिए, कोई पहुँच नहीं पाया, कोई कितना दूर से वो निकल जाता था। लेकिन बहुत ऐसा ऐसा साहसी है जो कि अंदर तो घुस गया और कोई कहा कि नहीं मिल हमको मिला था, तो मिला था कह के सब, और बाद में तो सबको साहस हो गया कि नहीं है इसको निकालना है, बहुत जिकर लगे और उसको बाद निकाल, हाँ उसका निकाल ही दिए। हमारे पिकनिक स्पॉट पे आए हुए हैं दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे ये लोग का अभी खाना पीना तैयार हो रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है यहाँ, कैसा लगा आपको? अभी तक में सबसे अच्छा जगह हमको लगा इधर। अच्छा अच्छा, बागमुंडा इज द बेस्ट पैलेस। हाँ, बेस्ट पैलेस लगा। अच्छा अच्छा, एकदम थैंक यू भैया। और बताइए भैया, आप कहाँ से आए हुए हैं? रांची धुरवा से हमारे भाई लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इंजॉय फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं और बाजा भी बज रहा है दोस्तों। जी, बाजा भी कुछ देर के लिए बंद हो गया, बुरा मत सोचिएगा, बाजा तो दिख रहा बज नहीं रहा, लेकिन ठीक है ना, बज रहा था। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो जगह जगह पहुंच जाए। और